नमस्कार दोस्तों, आप सबका आप सभी के चैनल एस्केप प्लम्बिंग वर्क्स में स्वागत है। दोस्तों, अभी तक आपने अपना ही चैनल एस्केप प्लम्बिंग वर्क्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए, नीचे लाल कलर का बटन है उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो साइड में बेल आइकन है उसे दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, जिससे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, हम सभी प्लम्बर भाई प्लम्बिंग के काम में तरह तरह के जो है नल वगैरह लगाते रहते हैं। अब दोस्तों, जो नल वगैरह होता है वह कभी ना कभी फ्यूचर में ख़राब भी हो जाता है। अब दोस्तों, जो नल है उसमें क्या ख़राब होता है, जैसे कि उसके अंदर स्पिंडल लगे हुए होते हैं, आप यहाँ पर फोटो में देख सकते हैं, इस प्रकार के जो है अलग अलग नल के अलग अलग वैरायटी के स्पिंडल आते हैं, वह फ्यूचर में कभी ना कभी ख़राब हो जाते हैं और हमें उन्हें चेंज करना पड़ता है। अब इसमें से बहुत सारे स्पिंडल्स हैं जिनके हमें नाम पता है, हम दुकान में जाके वह मांग लेते हैं और वह हमें मिल जाता है, और बहुत सारे इसमें ऐसे स्पिंडल्स हैं जो हमें पता नहीं होते हैं और हमें उस स्पिंडल को ढूंढने में बहुत दिक्कत आती है। तो आज मैं हम सभी प्लम्बर भाइयों के लिए रेगुलर से लेके जो बहुत कम स्पिंडल्स लगते हैं वह सभी वैरायटी के स्पिंडल आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक देखना और वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना दोस्तों। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो में देखा कि नल के स्पिंडल के कितने प्रकार होते हैं। आपने जितना भी देखा इसमें से कोई कोई रेगुलर है जो हमें पता है और कोई कोई जो है हमें पता नहीं है, वह बहुत कम स्पिंडल का इस्तेमाल होता है। तो इसमें मैंने सभी स्पिंडल्स के बारे में बता दिया है और आपको दिखा दिया है। तो दोस्तों, आज मुझे इसी के बारे में आप लोग को बताना था। उम्मीद है दोस्तों आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और कमेंट करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसे बहुत सारे मैं प्लम्बिंग के नए नए वीडियोस लाता रहूँगा। इसी तरह फिर से आपसे नई वीडियो मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।